छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल जारी है। इसी बीच राज्य में केंद्रीय मंत्री रेणुका सीएम पद के लिए दावेदारों में शामिल होने पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर रेणुका सिंह ने कहा कि पार्टी संगठन जो तय करेगा वही करेंगे। दिल्ली के लिए रवाना हो रही हूं, पार्टी में मुझे जो भी अवसर मिलेगा मैं उसे पूरा करूंगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार सरगुजा की 14 सीट कांग्रेस के पास गई क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। 5 साल में जनता समझ गई है और 14 सीट भाजपा के पक्ष में आई। भाजपा की बंपर जीत हुई है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का अपना मत और समीकरण होता है। वहीं देश के सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद में आदिवासी महिला बेहतर कार्य कर रही है। जो हमारा मेरा संसदीय क्षेत्र है या सरगुजा संभाग, तो सरगुजा संभाग में पिछले बार 14 की 14 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई थी, और वो भी इसलिए कि क्योंकि कांग्रेस ने झूठ बोलकर उनका वोट लिया था। 5 साल में जनता समझ गई और इस बार पूरी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई और बहुत बम्पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हम अब पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे और जो भी हम लोगों ने संकल्प किया है, घोषणा जारी किया है, उस पर पूरे 5 साल अमल होंगे।